बड़ी खबर आ रही है, यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में की गई है, जिसको लेकर पिछले साल नोएडा के सेक्टर 39 थाने में एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आज इसी केस के सिलसिले में पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर में एल्विश यादव की कोर्ट में पेशी होगी। एल्विश यादव पर आरोप लगा था कि पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई कराता है और इस मामले में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और अब उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट में अब से थोड़ी देर में एल्विश यादव की पेशी होगी। एल्विश यादव कुछ दिनों पहले भी सुर्खियों में रहा था। जी न्यूज पर सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। एल्विश यादव पुलिस के गिरफ्त में है, हालांकि हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है सांपों के जहर से जुड़े मामले में। कुछ दिनों पहले भी एल्विश यादव सुर्खियों में रहा था, जब उसने एक दूसरे यूट्यूबर के साथ मारपीट की थी, वीडियो सामने आया था, और अब सांपों के जहर के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एल्विश की गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी, जिसमें कि नोएडा के सेक्टर 51 में एक रेव पार्टी का आयोजन किया जाना था, जिसके अंदर करीब 9 सांप लेकर आए थे और 20 ml जो है वो जहर भी था। उसके बाद जो मेनका गांधी की NGO थी PFA, उनको इस बात की जानकारी मिली थी और जो वन विभाग और पुलिस के साथ वहाँ रेड की गई थी, सांप बरामद किए गए थे, जहर भी बरामद किया गया था और 5 सपेरों को गिरफ्तार किया गया था। जब जांच की गई तो उसे पता चला कि जो ऑर्गेनाइज़र था वो एल्विश यादव का जानकार था। बाकायदा जो PFA के जो लोग थे, उन्होंने उससे एल्विश यादव से बात की थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी कि एल्विश यादव कहीं ना कहीं इस तरीके की रेप पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और जो दुर्लभ प्रजाति के सांप हैं उनके जहर को जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे नशे के तौर पर स्नेक बाइट के नाम से जो नशा वो किया जाता है। उसके बाद इस मामले में जांच की गई थी, एल्विश यादव को एक बार बुलाया गया था तो एल्विश यादव से पूछताछ नोएडा पुलिस ने सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने की थी, क्योंकि इस केस को जो है सेक्टर 49 से सेक्टर 20 के थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उसके बाद कई बार जो है एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन एल्विश यादव कभी भी पूछताछ के में शामिल होने के लिए नहीं आए, किसी न किसी बहाना बना के इन्वेस्टिगेशन से भागते रहे थे। जिसके बाद आज एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और संतोषजनक जवाब ना देने की वजह से एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद एल्विश यादव का मेडिकल कराया गया और थोड़ी देर बाद एल्विश यादव को जो कोर्ट है नोएडा की कोर्ट, वहाँ पर पेश किया जाएगा। और चूंकि आज संडे का दिन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं और एल्विश यादव को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। इस पूरे मामले में अगर पुलिस को लगेगा कि एल्विश यादव की कस्टडी की ज़रूरत है पूछताछ करने के लिए, तो वो रिमांड के लिए एक फ्रेश एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल कर सकती है और एल्विश यादव को रिमांड पे ले सकती है। लगातार विवादों में रहने वाले एल्विश यादव नोएडा पुलिस की जांच से भाग रहे थे और उसके बाद अब एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी एल्विश यादव की जो एक कुछ वीडियो सामने आए हैं, जब मेडिकल के दौरान उन्हें ले जाया गया पुलिस की कस्टडी में, तो वो बिल्कुल भी बेखौफ या फिर मुस्कुराते हुए नजर एल्विश यादव आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे अपनी गिरफ्तारी पे कोई भी अफसोस नहीं है। इससे पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक अन्य यूट्यूबर के साथ मारपीट करते हुए एल्विश यादव नज़र आए थे और उसके बाद ये बात पता चली कि इन्होंने दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कहीं ना कहीं ये पूरी मारपीट और ये पूरा विवाद जो है वो एक जो पब्लिसिटी स्टंट था और अपनी जो है वीडियो को जो है लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा उसके व्यूज़ या फिर पब्लिसिटी गेन करने के लिए किया गया था। तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब ये देखना होगा कि क्या एल्विश यादव के खिलाफ जो एविडेंस है वो नोएडा पुलिस के पास है, क्या वाकई में जो स्नेक वैनम मिला था, क्योंकि कई लैब्स में उस स्नेक वैनम को सांपों को भेजा गया था, उनकी रिपोर्ट तो नोएडा पुलिस के पास आ गई थी। तो कहीं ना कहीं जो एल्विश यादव है पूरी तरीके से रेव पार्टी में सांपों के जहर या फिर सांपों को सप्लाई करने में इन्वॉल्व थे या फिर ये भी कोई एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये देखना होगा कि आखिर ऐसे क्या एविडेंस थे कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए एल्विश यादव की गिरफ्तारी की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एल्विश यादव की जो चेहरे की मुस्कुराहट है या फिर जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रही है कि गिरफ्तारी से बिल्कुल भी परेशान जो है एल्विश यादव नहीं है। उसे पता है कि जितना वो मीडिया में रहेगा, सुर्खियों में बना रहेगा, उसके फॉलोअर बनेंगे, उसकी जो है यूट्यूब पे जो है उसके फॉलोअर लगातार उसको फॉलो करेंगे और वो पब्लिसिटी गेन कर सकता है।
तो अब कोर्ट में जब पेशी होगी तो वहां पर नोएडा पुलिस किस तरीके की दलील लेती है ये देखना होगा। चंदन प्रमोद, अगर बात की जाए जो एल्विश यादव के खिलाफ जो मामला बना है ये कितना गंभीर है और इसमें क्या रिमांड की भी जरूरत पड़ती है, अगर रिमांड की जरूरत पड़ती है तो कितनी लंबी रिमांड हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इतनी लंबी जो जांच की है बिना सबूत मिलने के गिरफ्तारी तो हुई नहीं होगी, सबूत मिला है तभी जाकर के गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, एल्विश यादव के खिलाफ 120 बी अन्य धाराएं और वन्य जीव अधिनियम के तहत जो है एक मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि एफआईआर में एल्विश यादव का नाम भी था और एल्विश यादव से पूछताछ नोएडा पुलिस ने की थी। एक बार वो रात को आए थे, कुछ घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद एल्विश यादव को कई बार बुलाया गया तो उसने बीमारी का हवाला देकर वो लगातार नोएडा पुलिस की जांच से भाग रहा था। और उसके बाद अब एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे, जिसके बाद एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि नोएडा में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक नियम है कि अगर कोई आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसे कोर्ट में पेश करने के बाद पहले सबसे पहले न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और उसके बाद जो जांच अधिकारी है वो एक फ्रेश एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है कि उसको उस आरोपी की रिमांड की ज़रूरत है क्योंकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जानी है। तो यहाँ पर आप देखना होगा कि आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब एल्विश यादव को पेश किया जाता है तो जाहिर तौर पर एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद किस तरीके की पूछताछ के लिए कितने दिन के रिमांड के लिए एप्लीकेशन जो है नोएडा पुलिस कब लगाती है, क्योंकि इस मामले में पांच जो सपेरे पहले गिरफ्तार हुए थे या फिर जो बाकी जो लोग गिरफ्तार हुए थे और जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे जो सांप थे या जहर था उसको लैब में भेजा गया था, उन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो नोएडा पुलिस को मिल चुकी है और बाद अब इस केस को जो है अपने चार्जशीट फाइल करने से पहले अपना बिल्कुल अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए एल्विश यादव से पूछताछ की जानी बेहद जरूरी थी, इसलिए बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। Z News।